सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए साथ इस बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकाश मलिक और आप देख रहे हैं लवबर्ड वैली। मैं वेलकम करता हूं आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लवबर्ड वैली पे और उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि हमारे पिछले दो टॉपिक थे, एक था टाइप्स ऑफ कनेरी और उसके जेंडर के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद था डाइट ऑफ कनेरी की डाइट क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कनेरी के लिए बेस्ट सॉफ्ट फूड कौन सा होता है। तो व्यूअर्स, चलिए आज हम बात करेंगे कनेरी के लिए बेस्ट सॉफ्ट फूड कौन सा होता है। कनेरी के लिए भी बेस्ट सॉफ्ट फूड वही है जिसे हम एग फूड कहते हैं। एग फूड होता क्या और इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसे क्यों देना चाहिए, मैं आज आपको बताता हूँ। सॉफ्ट फूड इसलिए देना चाहिए कि बर्ड्स में अगर विटामिन की कोई कमी है, ठीक है, वो हीट पे नहीं है या वो उनमें डेफिशिएंसी है, तो वो एग जो होता है वो उस कमी को पूरा कर देता है। मोस्टली देखने और सुनने में आया और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एग फूड देने से जानवर जल्दी अंडे दे देते हैं, ठीक है, और जल्दी हीट पे भी आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग फूड बनाना कैसे है। एग फूड बनाने के लिए आपको एक अंडा चाहिए और दो रस चाहिए। अगर रस नहीं मिलते, जिसे पापे भी बोलते हैं लोग, तो आप दो डबल रोटी के पीस ले लें, ठीक है। आपने क्या करना है, डबल रोटी के पीस या दो रस, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। उन्हें मैश कर लेना है, अच्छी तरह पीस लेना, उनका चूरा चूरा कर लेना है, ठीक है। करने के बाद एक अंडा लेना, उसे हार्ड बॉयल करना है, ठीक है। हार्ड बॉयल करने का मीन क्या है, वो सख्त, अच्छी तरह, जैसे वो सख्त हो जाता है ना, एक तो नॉर्मल बॉयल करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बॉयल करना है ताकि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। तो उसका हमने छिलका उतार लेना है, उतारने के बाद उसको भी मैश करना है, उसे भी अच्छी तरह मसल लेना है ताकि उसका भी चूरा हो जाए। तो क्या करना, दोनों चीज़ों को आपस में, रस और अंडे को, दोनों चीज़ों को आपस में मिला लेना है, अच्छी तरह मिला लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मिला लेना है। वैसे मिला के आपने अपने कनेरी को पेश करना है, वो बहुत शौकीन होती हैं इन चीज़ों की, बहुत अच्छी तरीके से खाएंगी और आप देखिएगा कि पहले से बेहतर रिजल्ट होगा और जल्दी हीट पे भी आ जाएगी और उनके जितने भी बॉडी में विटामिन की कमी होगी वो सारी पूरी हो जाएगी और आपकी कनेरी इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड कर लेगी। उसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ, या आप समझ लें एज आ ब्रदर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कनेरी के लिए एक बेहतरीन जो अमल है वो ये है। आपने करना क्या है, किसी कंटेनर में, जिसे हम पोर्ट कहते हैं, या किसी प्लेट वगैरह में रोज़ का रोज़ साफ पानी रखना है, ठीक है। उससे होता क्या है कि कनेरी जो होती है ना, वो नहाने की बड़ी शौकीन होती है। जैसे ये सिंगिंग इसकी क्वालिटी है ना, और उसके पीछे एक इसका राज है खुश रहने का, कि वो नहाना भी बहुत पसंद करती है, साफ पानी में नहाना बड़ा पसंद करती है। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि रोज़ की रोज़ उसे सुबह एक पानी की पोट रखनी है, ताज़े पानी की पोट। देखिएगा आपकी कनेरी नहाएगी भी, साफ़ सुथरी भी रहेगी और खुश भी रहेगी। ये जानवर जैसे हैं, इनमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये जितना खुश रहती हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा ब्रीड करती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।